भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि राम वन गमन पथ के तहत सोमवार को सिंहावा में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति का अनावरण होना है। हमारी मांग ये है कि मूर्ति निर्माण से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक की जाए। कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, बनाने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं, क्या लागत आएगी, संबंधित स्थान से भगवान का क्या रिश्ता है, जैसी तमाम जानकारियां जनता के समक्ष रखी जाए, क्योंकि ये कार्य हमारे प्रभु श्री राम से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रामगमन मन पथ में विभिन्न जगहों में प्रभु श्री राम की प्रतिमा लगाई जा रही है। आज सिहावा में भगवान राम की मूर्ति का अनावरण। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि मूर्ति कितने जगह में लगेगी, मूर्ति की लागत कितनी है, डिजाइन क्या है, आकार क्या है, मुद्रा क्या है, प्रसंग एवं स्थल कैसे हैं, इस काम को किसके द्वारा किस प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। मूर्ति की लागत लगभग, जो मेरी जानकारी है, 50 लाख रुपए से लेकर 90 लाख रुपए तक है। और ये काम कौन सी प्रक्रिया के तहत किसको दिया गया है, मूर्ति बनाने वाला जिंदा है कि मर गया, और मूर्ति जो बना रहा है, जो एजेंसी उनको मूर्ति बनाने का, जो व्यक्ति अभी काम कर रहा है, उनको मूर्ति बनाने का अनुभव है कि नहीं है, या ये काम दूसरे के द्वारा हो रहा है, क्या ये आपकी टेंडर प्रक्रिया या निर्माण प्रक्रिया के अनुबंध की शर्तों में है कि मूर्ति कोई आदमी काम ले और दूसरा आदमी या संस्था उसको बनाए। चूंकि ये छत्तीसगढ़ और पूरे सनातन धर्म के आस्था का विषय है, और इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि आप एक धार्मिक प्रतीक को, आस्था के विषय को किसी भी तरह से कहीं पे कुछ भी नहीं बना सकते। और यदि आप सार्वजनिक नहीं करते हैं, यदि आप लोगों को विश्वास में नहीं लेते हैं, नहीं बनाते हैं, तो ये एक मूर्ति घोटाला माना जाएगा। और इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि जो मेरी जानकारी है, मूल जिसको काम दिया गया था वो आदमी आज इस संसार में नहीं है, और जो आदमी कर रहा है उसको किसी भी तरह का अनुभव नहीं है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, और राजनीतिक कारणों से किसी भी मुद्रा का, किसी भी प्रसंग का, किसी भी जगह में ये निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। मैं फिर से ये बात कहना चाहूंगा कि लागत, प्रक्रिया, मुद्रा, इन सारी चीजों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न लगे।